26 जनवरी गणतंत्र दिवस, आपको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। हमारा संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा, बहुत देशों में घूमे ढूंढा, कुछ देशों का पढ़ा भी, पूरी टीम नियुक्त की थी और उन्होंने कुछ ज़्यादा खोज भी नहीं की। बहुत पढ़े लिखे आदमी थे, बहुत समझदार आदमी थे, लेकिन बहुत सी चीज़ों को ऐसे के ऐसे उठा करके कॉपी कर दिया गया। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम एक आदमी के ऊपर निर्णय छोड़ देते हैं तो वो आदमी अपने अनुसार कार्य करता है, अपनी बौद्धिक अक्षमता के अनुसार कार्य करता है। हमारा देश शुरू से ही हिंदू राष्ट्र देश रहा है और हिंदू तो हमारे रोम रोम में बसा हुआ है, हमारी संस्कृति में बसा हुआ है, हमारी विरासत में बसा हुआ है, हमारे लोगों के अंदर बसा हुआ है। यहाँ तक कि हमारी जो नदियाँ हैं इनके अंदर भी हम एक एक चीज़ को खोज करते हैं। हिंदू तो अंधविश्वास नहीं, हिंदू तो खोज है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो बौद्ध बन गए थे, उन्होंने अपने अनुसार संविधान लिख दिया और इस संविधान के अंदर जब आप थाने के अंदर जाएंगे, ऐसे शब्द हैं जो उसी टाइम से चलते आ रहे थे। किस टाइम से? जब ये देश मुसलमानों का गुलाम हुआ था तो उसी टाइम से वही शब्द उसी समय के चलते आ रहे। आप पुलिस में अगर काम करते हैं, नौकरी करते हैं, तो आपने देखा भी होगा, रोजनामचे को देखा होगा, उर्दू के शब्दों को देखा होगा, वो तक नहीं बदले गए। ऐसा का ऐसा सब कुछ लिख दिया गया, न उनसे हमारी कक्षाएं परिवर्तन हुई कि जो चल रही थी अंग्रेजों द्वारा चलाई गई वही आगे बढ़ा दिया गया, न हमारी न्याय व्यवस्था दुरुस्त हुई, वो भी वैसे के वैसे आगे बढ़ा दी गई। और ये जब ये दोनों चीज़ें आपस में टकराती हैं और इनसे ही समाज का निर्माण होता है, स्कूल से और न्याय से। जब ना ही स्कूल की व्यवस्था अच्छी होगी और ना ही न्याय की व्यवस्था अच्छी होगी, तो दोनों व्यवस्थाएं अच्छी नहीं होंगी तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर सकते। आपस में लड़ते रहेंगे। ये जो बीज डाला गया था, जो ये ऊंच नीच का, जाति का, धर्म का, ये वहीं से शुरू हुआ। आज हम जिनको जय भीम बोल करके नारे लगाते हैं, क्या आप जानते हैं आप भी सनातनी हैं, आप भी हिंदू हैं, आप भी धर्म को मानने वाले हैं? क्या आप भूल गए इन चीज़ों को? क्या एक व्यक्ति विशेष कोई परमात्मा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या आप अपना अस्तित्व ही भूल गए हैं? क्या आप अपनी जड़ों को भूल गए हैं? क्या सब कुछ मिटा दिया आपने? क्या अस्तित्व ही समाप्त कर दिया हर चीज़ का? कहाँ खो गए आप? किस एक एक शब्द के पीछे भाग लिए? क्या आपने संविधान पढ़ा है? नहीं पढ़ा होगा। जो ये संविधान के अंदर रिजर्वेशन डाल दी गई, ये खेल डाल दिया गया, ऊंच नीच का खेल शुरू कर दिया गया, क्या मानव सम्मान नहीं होते? क्या सब मानव बराबर नहीं होते? क्या सबका हक बराबर नहीं होता? लोगों को श्रेणियों में बांट दिया गया और श्रेणियों से जातियों में बांट दिया गया, और ये हमारे समाज के लिए, हिंदुत्व के लिए, इससे बड़ा कोई कुछ हिंदुत्व के विनाश के लिए कोई कदम नहीं हो सकता था, न ही इससे बड़ा कोई कदम हो सकता है। तो आपने संविधान नहीं पढ़ा होगा। मैंने पढ़ा है, मेरे पास रखा भी है, किसी को चाहिए पढ़ने के लिए तो मेरे पास रखा, आप पढ़ सकते हैं। कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा तो उसके अंदर अलग अलग चीज़ें जो इधर उधर की इकट्ठी करके डाल दी गई थी। सबसे पहले आप ये देखिए कितना
किस प्रकार से कितने तेज थे वो अंग्रेज लोग जिनको हम बेवकूफ मानते हैं। उन्होंने अपने राजा को यूं का यूं बना करके रखा। आज भी उनकी महारानी है एलिजाबेथ, उससे पहले राजा थे, आगे भी होंगे। उन्होंने अपनी वो परंपरा भी जीवित रखी और साथ में ये लोगों द्वारा चुने गए नेता की भी परंपरा जारी रखी। उन्होंने दोनों परंपराएं जारी रखी, हमारी उन्होंने मिटा दी। जो गुरु परंपरा थी उन्होंने वो भी जारी रखी, उन्होंने दलाई लामा को बना दिया और दलाई लामा को अलग बना दिया। उनका जो सिस्टम है, पोप फ्रांसिस है, उनको अलग बना दिया। सबने अपनी परंपराएं जारी रखी, गुरुओं ने भी, राजाओं ने भी, देश ने भी, धर्म ने भी, लेकिन हमने मिटा दी और इसका परिणाम आप लोग भी भुगत रहे हैं, हम भी भुगत रहे हैं। जो हमारे संत थे, जो हमारे शंकराचार्य थे, जो हमारी वेदों की शिक्षाएं थी, जो हमारा ज्ञान था, जो हमारा साइंस था, जो हमारी न्याय व्यवस्था थी, जो शिक्षा व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, सब ढांचा बिगाड़ दिया गया, इधर उधर हो गया और सब बैलेंस बिगड़ गया। और ये बैलेंस ऐसा बिगड़ा कि आज तक ये समझ ही नहीं आ रहा। आप केस के लिए जाओगे कितना समय लगेगा, 10-10 वर्ष लग जाते हैं। आपका किसी जमीन का झगड़ा हो गया, एक केस चल गया, 2-2, 3-3 पीढ़ियां निकल जाती हैं। क्या ये हमारी न्याय व्यवस्था है? ये हमारी न्याय व्यवस्था नहीं है, ऐसी न्याय व्यवस्था हमारी नहीं थी। सब बदल दिया गया, फिर भी हम उनके पीछे भागते रहते हैं। हम उनको श्रेष्ठ मानते हैं कि हाँ, इससे समझदार आदमी धरती के ऊपर नहीं हो सकता। हो सकता है मेरे बोल, मेरे शब्द कुछ अटपटे हों, कुछ कड़वे हों, कुछ तेज हों, कुछ लोगों को अच्छे नहीं लगें, कुछ लोग मुझे गालियाँ भी दें, कुछ और भी प्रयोग कर सकते हैं, कुछ लोग मुझे दुश्मन भी समझने लगेंगे, लेकिन वही लोग समझेंगे इन चीज़ों को जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्होंने संविधान को नहीं पढ़ा, जिन्होंने समझा नहीं, जिन्होंने उस पुस्तक की अहमियत नहीं समझी, बस लिख दिया चल गया सब कुछ। क्योंकि ये जितना भी लिखा गया ये बस इस प्रकार से है कि जो बड़े लोग हैं वो अपने अनुसार इसको ढाल लेते हैं, जो हमारे जैसे मध्यम वर्ग के लोग हैं वो इसमें पिसते चले जाते हैं और न आप निकल पाते हो, न आपके पास कोई रास्ता होता है और न ही आपका जीवन बचता है और सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेकिन इन शब्दों का ये अर्थ नहीं कि आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस नहीं है। कुछ तो हुआ, चाहे प्रशासन बदली हुआ हो, ये नहीं कि भारत आज़ाद हुआ था, आज़ाद भारत का ये लिख दिया गया, नहीं, ये प्रशासन बदली, शासन बदली हुआ था, शासन बदली के बाद ये गणतंत्र दिवस हुआ था। इन्होंने जैसा अच्छा लगा वैसे अपने कानून बना दिए। घूम घूम करके देखा कुछ देशों में, उन देशों ने जो लिख रखा था उसी के अनुसार अपनी पुस्तक लिख करके और हो गया ये काम। जब तक ये न्याय व्यवस्था नहीं सुधरेगी, शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, तो इन प्रणालियों को जब तक नहीं बदला जाएगा इस समाज का सुधार नहीं हो सकता। देश को आगे बढ़ने के लिए, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें एक एक चीज के ऊपर सुधार करना होगा। हमें समझना होगा कि हम भाई हैं, हमें समझना होगा कि इस संसार में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, हमें समझना होगा कि ये सब हिंदुत्व है, हमें समझना होगा कि हम एक दूसरे से जाति कोई चीज़ नहीं होती, हमें समझना होगा कि आपस का प्यार प्रेम है, हमें समझना होगा कि हम किसी से दूर नहीं हो सकते। हमें एक एक चीज़ को समझना होगा कि ये शरीर के अंग हैं, ये बिल्कुल भी दूर नहीं हो सकते, सबका अपना महत्व है। जब हम महत्व समझने लगेंगे तो जो हमारे भाई हैं वो फंसे हुए हैं, वो समझ नहीं पा रहे, उनको भटका दिया जाता है,
उनको इस्तेमाल किया जाता है, कुछ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुछ दंगे लड़ाइयों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुछ अपने लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुछ उनको नीचा दिखाया जाता है। वो भी अपने ही हैं, कोई दूसरे नहीं हैं। जब वो छोड़ छोड़ करके जाएंगे तो आपको बहुत दुख होगा, तो संभाल करके रखो। और इस जय भीम और इस प्रकार के शब्दों से क्या अर्थ निकालते हो आप, और क्या अर्थ निकालना चाहते हो? अगर आपने जय ही बोलनी है तो इस सनातन की बोलिए, जो ये सनातन धर्म है, जो आदि से है। जय ही बोलनी है, आपके अंदर इस आत्मा है इसकी बोलिए। जय ही बोलनी है, उस परमात्मा की बोलिए जो सबके अंदर विराजमान है। जय ही बोलनी है, उस ओंकार की बोलिए। जय ही बोलनी है तो वेदों की बोलिए, उपनिषद। कहाँ, किस चीज के अंदर, आदमी के अंदर आप कहाँ अटक गए, जिनको ज्ञान भी नहीं था परमात्मा का, जिन्हें ये भी नहीं पता था रास्ता क्या है, जो हिंदुत्व को छोड़ करके बौद्ध के अंदर शामिल हो गए, वो कैसे, किस प्रकार से, कहाँ, कैसे कल्याण होगा? ये सवाल आपके ऊपर है कि आप इस सही रास्ते के ऊपर चलते हो या गलत रास्ते के ऊपर। चुनाव तो आपका ही होगा। हम तो दिशा दे सकते हैं, समझा सकते हैं, और सच कितना भी कैसा भी हो, सच बोलना सबसे श्रेष्ठ होता है। तो आप सच के साथ खड़े हुइए, सच के साथ संघर्ष कीजिए, सच को समझने का प्रयास कीजिए। और आपको इसी के साथ एक बार फिर हमारे गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हृदय के साथ बधाई।